there you're going to study particle in 3D box. 3 dimensional box is just similar to 1D box, but difference इसमें ये है कि यहाँ पे हम 3 axis लेते हैं, x, y and z axis. इसमें भी हम Schrodinger equation को लेके start करेंगे. हम assume करते हैं कि आपका particle जो है ऐसे box में place किया गया है, which is placed in x, y, z, 3 axis पे ये place है. तो अगर 3 axis पे है, तो जब हम 1D box के लिए calculation कर रहे थे, तो उसमें हमने length को suppose किया था कि हमारे पास जो length है वो along the x axis a थी. ठीक, आप कोई भी अल्फाबेट चूज़ कर सकते हो. तो यहाँ पे अगर 3 एक्सिस हैं, तो हम 3 लेंथ चूज़ करते हैं. लेंथ अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस इज इक्वल टू ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली. आपका जो बॉडी का मास है, मास ऑफ द पार्टिकल, इट इज़ स्मॉल एम. उसकी जो पार्टिकल की स्पीड है, इट इज़ स्मॉल वी. और पोटेंशियल एनर्जी को कैपिटल वी से शो किया जाता है. इनसाइड द बॉक्स, जैसे हमने वहाँ पे उस दिन पढ़ा था 1D बॉक्स में, कि आपके पास बॉक्स प्लेस किया गया है, इसका इन द बॉक्स आपके पास पोटेंशियल एनर्जी जीरो है. तो हमने कहा था इस बॉडी के अंदर टोटल जो एनर्जी होगी वो टोटल क्या है, काइनेटिक एनर्जी. इट मींस बॉडी जो आपके पास पार्टिकल जो है वो इस बॉक्स के अंदर लाई करेगा, इसके आउटसाइड नहीं, क्योंकि आउटसाइड पे आपके पास वी वोल्टेज जो था वी इन्फिनिटी के ऊपर होता है. वी इन्फिनिटी मीन्स पार्टिकल डू नॉट लाई आउटसाइड द बॉक्स, देर इज मैक्सिमम चांस के पार्टिकल बॉडी के अंदर होगा. तो सेम वही अजम्पशंस जो आपके पास 1D बॉक्स के लिए श्रोडिंगर की हम लेके चले थे, वही यहाँ पे अजम्पशंस को हम फॉलो करते हैं कि पार्टिकल आउटसाइड द बॉक्स एग्जिस्ट नहीं करता. तो इनसाइड द बॉक्स अगर वी इज इक्वल टू जीरो है, आउटसाइड द बॉक्स पी इज इक्वल टू इन्फिनिटी है, तो पार्टिकल नॉट गो आउटसाइड, ये अजम्पशन हम लेके चल रहे हैं. उसके बाद श्रोडिंगर की इक्वेशन जब हमने डिराइव की थी प्रीवियस लेक्चर में, जिसमें हमने कहा था अगर हमारे पास 3 डायमेंशन की बात करें और लॉन्ग द 3 एक्सिस बात करें, तो ये इक्वेशन की एक फॉर्म थी. क्योंकि श्रोडिंगर इक्वेशन की मोर देन 1-3 फॉर्म्स आपके पास अवेलेबल हैं, आपको जो रिक्वायर्ड होती है आप उसको यूज़ कर लेते. सब इक्वेशन ही श्रोडिंगर को एक्सप्लेन करती हैं, जो वन आपके पास प्रीवियस लेक्चर में हमने डिराइव की हुई थी बड़ी डिटेल में. उसके बाद श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर द 3 एक्सिस इज गिवन बाय दैट. लेकिन हमें पता है कि हम इनसाइड द बॉक्स बात करें, चाहे हम 1D की बात करें या 3D की बात करें, तो ये जो v की वैल्यू है, इफ़ इट इज़ इनसाइड द बॉक्स, तो ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, जीरो. तो आप इक्वल टू जीरो पुट करोगे, तो यहाँ पे सिर्फ क्या चीज़ बचे कि e, क्योंकि जीरो को माइनस करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो आपके पास इस इक्वेशन नंबर को हम 2 का नाम देते हैं. देन आप इस पूरी इक्वेशन को 1/psi से डिवाइड कराओगे. ठीक, यानी पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना है विथ साई फंक्शन. बोथ साइड पे डिवाइड करेंगे, जीरो के नीचे साई फंक्शन आ भी जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. आपके पास इक्वेशन में क्या होगा, 1/साई इन सब के साथ आएगा, क्योंकि ये सिमिलर पार्ट्स हैं, प्लस इसके साथ हर फैक्टर के साथ साई ने डिवाइड होना है. मैंने इसे ब्रैकेट में इसलिए लिखा ताकि बाद में आपको समझने में थोड़ी आसानी हो. इन तीनों फैक्टर, क्योंकि ये डायरेक्शन को शो कर रहे हैं आपकी सारी अलॉन्ग द एक्स वाई जी, तो इसके लिए मैंने एक ब्रैकेट लगा के उसके साथ 1/साई लिख दिया. इट मीन्स ये तीनों फैक्टर के साथ आपके पास यूज होगा. देन आपके पास 8π² m/8² ई, साथ साई फंक्शन क्वेश्चन में पहले था, और देन आपने इसे डिवाइड किया, तो ये साई फंक्शन इस साई फंक्शन को काट देगा. जो आपके पास इक्वेशन आएगी, इट विल बी टर्म एट इक्वेशन नंबर 3. अब हम जब बात कर रहे हैं कि पार्टिकल की 3 डायमेंशन है आपके पास, तो इसका मतलब बॉडी पे जो एनर्जी भी लगेगी वो तीनों एक्सिस पे लग सकती है. इट विल बी अलॉन्ग एक्स, वाई एंड जी. तो इसका मतलब टोटल एनर्जी विल बी द सम ऑफ 3 एनर्जीज अलॉन्ग द एक्स, वाई, जी एक्सिस. अब हम बात करते हैं वेव फंक्शन की, तो वेव फंक्शन भी आपके पास क्या होगा, अलॉन्ग द 3 एक्सिस है. तो इसका मतलब ये जो साई फंक्शन जिसे हमने इक्वेशन नंबर 2 में डिवाइड कराया था, ये एक्स के लिए अलॉन्ग द एक्स एक्सिस जब अप्लाई होगा तो एक्स लिखा जाएगा, अलॉन्ग द वाई होगा तो वाई लिखा जाएगा, अलॉन्ग द जी होगा तो जी लिखा जाएगा. इसका मतलब जो आपके पास एनर्जी है वो हर एक के लिए सेपरेट हो सकती है. ई एक्स एक अलग इक्वेशन बनेगी, ई वाई, ई जेड. तो आप इसको फैला के लंबा करके लिख सकते हो. ठीक, तो इसका मतलब इन दोनों वैल्यूज को हमने पुट किया कि इसमें इस इक्वेशन पुट करके लिखा. ठीक, तो इस इक्वेशन में जब पुट करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह की वैल्यूज आएंगी. हमने सारे फैक्टर को अलग अलग कर दिया और हमने पेयर बना दिया. आप चाहो तो आप अलग अलग वैल्यूज को पहले लिख के बाद में उसकी पेयरिंग कर सकते हो. अलग अलग कैसे लिखोगे, पहले आप लिखोगे इसमें इक्वेशन आपके पास बनेगी, ई के लिए अलग बनेगी, ई एक्स के लिए 8π के साथ आप उसमें अलग अलग लिखोगे 8π² m e, साथ आ जाएगा x, अगर x के लॉन्ग है, और नीचे आ जाएगा h² क्लियर. इसी तरह आपके पास इक्वेशन बनेगी e y के लिए,
इसी तरह की इक्वेशन बनेगी आपके पास सेम इसी तरह की इक्वेशन ई जेड के लिए। तो इसका मतलब तीनों फैक्टर्स आपके पास एनर्जी स्प्लिट होगी तीन एक्सिस में, यहाँ पे आपके पास हर चीज़ हर फैक्टर अलहदा से मौजूद होगा। अगर अलॉन्ग द एक्स मल्टीप्लाई कराना है तो एक्स लिखना, अलॉन्ग द वाई करवाना है तो वाई एक्स लिख सिग्मा वाई लिखना, अलॉन्ग द जेड करवाना है तो वेव फंक्शन जेड आएगा। तो ये सारी इक्वेशन पूरी फैल जाएगी। तो हम उसके ना पेयरिंग कर देते हैं कि एक्स वाली टर्म को एक्स के साथ लिख देते हैं, वाई वाली टर्म को वाई के साथ कर देंगे, जेड वाली टर्म को जेड के साथ कर देंगे। तो आपके पास जो इक्वेशन नंबर 3 है जिसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे, तो आपके पास इक्वेशन की जो फॉर्म आएगी आफ्टर समिंग अप उसको प्लस करने के बाद वो कुछ इस फॉर्म में आएगी। क्लियर? तो ये जो 3D बॉक्स है ये बेसिकली जो निकला है ये निकला तो 1D बॉक्स में ना, जो उसकी रोटेशन जो वैल्यूज हम 1D में स्टडी करते हैं वही हम स्प्लिट कर देते हैं तीन पार्ट में, कि जो एक्स पे होगी वो वाई पे भी हो सकती है, वो जेड पे भी हो सकती है, तीनों पे सेम पैटर्न पे उसका फॉलो होगा। तो वो कहता है कि ये जो फैक्टर्स आपके पास है, दीज फैक्टर जो ब्रैकेट्स में हमने पेयर अप करके रखे हैं, दीज आर द इंडिपेंडेंट फैक्टर। तो आप ये कह सकते हो ये जो इंडिपेंडेंट है इसका मतलब इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, इंडिपेंडेंट है तो ये अकेले पाए जा सकते हैं। तो ये जो एक ब्रैकेट है ये इक्वल टू जीरो है, नेक्स्ट वाली ब्रैकेट भी इक्वल टू जीरो है, उसके अगली वाली ब्रैकेट भी इक्वल टू जीरो होगी। तो हम हर इक्वेशन में जो इसका पार्ट है एक्सप्रेशन का उसको हम अलग अलग शो कर देते हैं, इट इज़ इक्वल टू जीरो। तो आपके पास इक्वेशन नंबर 5, 6 और 7 आ जाएंगे। ये जो इक्वेशन नंबर 5, 6, 7 है ये सिमिलर हैं आपके पास 1D बॉक्स के, और 1D बॉक्स में पूरी डेरिवेशन आपने की थी कि 1D बॉक्स में एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब आपको ये फैक्टर तीनों कैसे मैच करें 1D बॉक्स में, तो आप इस फैक्टर को फॉर एग्जांपल हम अज्यूम करते हैं इक्वेशन नंबर 8 को, अगर हम इसे बताना चाहें कि 1D से कैसे रिलेट कर रहा है, हम कैसे इसको डेरिवेशन कर सकते हैं जो आपने 1D बॉक्स में एनर्जी के लिए की थी, जहाँ पर आपने ई की वैल्यू निकाली थी, एन स्केयर था आपके पास, एच स्केयर था नीचे 8m और आगे ए था, ये वैल्यूज हमने निकाली थी। वही इक्वेशन इसके लिए भी हर एक एक्सिस के लिए अलग अलग कैलकुलेट होगी। पेपर में अगर आ जाता है 3D बॉक्स तो फिर तो सारा करना पड़ेगा, लेकिन हमें पता है क्योंकि ये 1D बॉक्स से डराइव की हुई चीज़ें हैं तो हमें पूरी 1D की डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये 3D वाली इक्वेशन जो हैं, इक्वेशन नंबर 5, 6 और 7, ये कैसे हम कह सकते हैं जस्ट सेम एज 1D बॉक्स? तो आप देखो ये फैक्टर यहाँ पे प्लस का है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो आपके पास कुछ इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगी। ठीक, उसके बाद ये जो वेव फंक्शन की वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड हो रही है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। तो इस पूरे फैक्टर को हम अगर देखें तो ये तो वही फैक्टर बन रहा है जो हमारा इक्वेशन जब हमने स्टार्ट की थी श्रोडिंगर की 1D इक्वेशन के लिए, कि उसमें हमने कहा था आपके पास एक एक्सिस पे आप काम कर रहे हो, ये आपके पास फैक्टर था। तो ये सेम वही इक्वेशन है जो 1D बॉक्स में यूज़ की गई थी, इसलिए इसको डेरिवेशन करने के लिए आगे फर्दर एनर्जी के लिए ज़रूरत नहीं है। ओके, तो हमें पता है कि अगर 1D बॉक्स में हम बात करते हैं तो उससे जो एनर्जी निकाली गई थी वो आपके पास ये इक्वेशन थी। अगर मैं कहती हूँ आपके पास एक्सिस जो हैं वो स्प्लिट हो चुके हैं, ठीक, एन इज शोइंग यू ऑर्बिटल्स, कि आपके पास ऑर्बिटल कितने, 1, 2, 3, 4 नंबर ऑफ शेल्स कितने आ रहे हैं आपके पास। तो अगर मैं बात करती हूँ 3D पे है तो x के लिए कुछ वैल्यूज आएगी एनर्जी की, y के लिए कुछ आएगी, z के लिए कुछ आएगी। अब ये जो x, y, z की एनर्जी निकालनी है इस पर हमने कंफ्यूज नहीं करना, ये जो चीज़ें कैलकुलेट की गई हैं ये इस इक्वेशन को 1D में कन्वर्ट करके ये उस निकाली गई है, बाद में 6, 5 इक्वेशन को भी दोबारा कन्वर्ट करके 1D में निकाली गई। तो ये डेरिवेशन जो अगर आपने समझनी है तो 1D बॉक्स में दोबारा एक्सप्लेन की गई है कि हम कैसे एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं। तो ये एनर्जी को कैलकुलेट किया गया था इफ़ यू आर टेकिंग अलॉन्ग x एक्सिस और आपकी बॉक्स की लेंथ ए है। तो मैं जब कहती हूँ आपके पास बॉक्स जो है वो आपके पास 3 एक्सिस में पड़ा हुआ है, तो जो एक्स एक्सिस की लेंथ थी वो ए रखी थी मैंने, जो वाई की लेंथ थी उसको मैंने बी रखा था, और जो जेड की लेंथ थी उसे मैंने सी स्क्वायर रखा था। तो ये तीनों मेरे पास 3 एक्सिस की एनर्जी आ गई। लेकिन हमने बात की थी एनर्जी तो पार्टिकल पर जो एनर्जी लगेगी तीनों एक्सिस अप्लाई करेंगे तो टोटल एनर्जी क्या होती है, ई इज इक्वल टू ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड। इसमें आप हर एक की वैल्यूज़ को पुट करोगे, आप देख रहे हो इस पूरी इक्वेशन में आपके पास कुछ टर्म्स कॉमन आ रही है, आपके पास एन कॉमन है, ठीक, एन वाई है, एन जेड है, सॉरी आपके पास कॉमन चीज़ें, डिफरेंस क्या आ रहा है आपके पास इन फैक्टर्स का, और ये वाला फैक्टर डिफरेंस में आ रहा है जो मैंने रेड से मार्क किए हैं, ये वाले फैक्टर आपके पास डिफरेंस में। तो इसका मतलब जो बाकी सारे फैक्टर हैं वो आपके पास क्या हैं, कॉमन है। तो आप उनको जाए एक स्टेप का इजाफा करने के आप उसे फ़ौरन से ही उसे कॉमन निकाल सकते हो और बाकी आप उसे लिख सकते हो, अदरवाइज आप हर एक के नीचे उसकी वैल्यू लिखोगे फिर कॉमन निकाल लोगे। तो मैंने इसको कॉमन निकाल लिया, ये फैक्टर हर एक के नीचे आ गया अपना अपना अलग से, क्योंकि ये कॉमन नहीं था, ये आपकी अलग चीज़ थी। अब वो कहता है जब हम बात करें बॉक्स की तो बॉक्स की तो शेप कोई भी हो सकती है, अगर बॉक्स की शेप हमें नहीं पता, हमें कहते हैं उसकी शेप कोई हट के है, स्केयर से हट के है, तो फिर तो आपकी ये फाइनल इक्वेशन है। ठीक,
लेकिन अगर वो आपसे ये कहता है आपका बॉक्स जो है वो क्यूब शेप का है, तो क्यूब शेप तो वो होती है जिसकी सारी लेंथ बराबर होती है। अगर आपका पार्टिकल ऐसे बॉक्स में पड़ा है विच इज़ इन क्यूब शेप, तो ए इज़ इक्वल टू बी, बी इज़ इक्वल टू सी, क्योंकि उसकी सारी लेंथ बराबर है। तो आप हर एक की जगह पे क्या पुट कर सकते हो, ए स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक, तो इसका मतलब अगर आपके पास बॉक्स क्यूबिकल नहीं है, आपको कोई मेंशन नहीं किया गया, तो ये दिस इज़ द फाइनल इक्वेशन ऑफ एनर्जी विच एग्जिबिट दैट कि आपके पास जो एनर्जी इन थ्री डायमेंशनल बॉक्स के लिए है वो ये कैलकुलेट की गई है। क्लियर? ठीक है, उसके बाद हम आते हैं इफ़ बॉक्स इज क्यूबिकल तो लेंथ सेम होगी, हमने हर एक के लिए वो फैक्टर रख दिया, तो अब तीनों के नीचे भी तो एक सेम चीज़ आ गई, तो ए स्क्वायर तीनों फैक्टर में था, अब वो भी कॉमन निकला है, उसे हमने बाहर निकल दिया। दिस इज एक्चुअल द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल प्लेस्ड इन 3D बॉक्स, ठीक, जिसमें ए स्क्वायर भी कॉन्स्टेंट है, एम भी कॉन्स्टेंट है, लेंथ भी कॉन्स्टेंट हो जाएगी क्योंकि बॉक्स की बार बार लेंथ नहीं बदलती, लेकिन जो वेरिएशन आएगी वो आपके पास एन एक्स एन वाई एन जेड जो अलॉन्ग द एक्स वाई जी एक्सिस पे आपके पास आ रही हैं उस पर वेरिएशन आएगी। तो इसका मतलब ई डिपेंड्स अपॉन एन, एनर्जी डिपेंड करती है नंबर ऑफ शेल्स पे, उसके नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पे, आपकी डिपेंड करती है कि आपके किस कितने नोड्स बन रहे हैं, कितनी ऊपर की तरफ हम मूव करते जा रहे हैं। ठीक, तो एन की वैल्यू हमेशा हमारे पास पॉज इंटीजर वैल्यू होती है, एन की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती, एन की वैल्यू जीरो नहीं होती, आपके पास लोएस्ट वैल्यू जो है वन से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज क्वांटाइज, क्वांटाइज का मतलब ये है कि हर ऑर्बिट की अपनी स्पेसिफिक एनर्जी होगी, जो उस एनर्जी को फॉलो करेगा बस वही उसमें ऑर्बिट में लाए करेगा। तो अब आपके पास जब भी पेपर में क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन द 3D बॉक्स आपने विद रिस्पेक्ट टू श्रोडिंगर इक्वेशन, तो आपने ये सारी डेरिवेशन उसमें करनी है। इसके अलावा आपके पास इसकी हम प्रोबेबिलिटी फाइंड नहीं करते, वजह यह है क्योंकि 1D बॉक्स में हम प्रोबेबिलिटी को फाइंड कर चुके हैं। 1D बॉक्स का मतलब है कोई भी एक्सिस आपके पास आ जाए, वो चाहे एक एक्स ले रहे हों, चाहे वाई ले रहे हों, चाहे जी, तीनों में से कोई भी एक्सिस को स्टडी करें सिर्फ एक को, तो वो पार्टिकल इन 1D बॉक्स होता है। तो जब हम उसमें साई फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं, जो आपके पास आई थी ए बाई टू, जो हमने कैलकुलेट की थी साइन स्केयर साई एल फंक्शन की, जो वेव फंक्शन की वैल्यू हमने पीछे कैलकुलेट की थी, वो इसमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपने सिर्फ एनर्जी कैलकुलेट करनी है, इसलिए पार्टिकल इन 3D बॉक्स की अगर डायरेक्ट लिखा हो तो जस्टिफाई करो कि एनर्जी ऑफ पार्टिकल की कैसे क्वांटाइज्ड होती है 3D बॉक्स में, तो आपको उसका मतलब ये है कि आपने ये इक्वेशन को डेराइव करना है।